और
राज्यों की से निवेदन करूंगा आदरणीय लाल सिंह जी, बस वहां से हटते जाओ, जिन्होंने स्वागत कर दिया हटते जाओ। मुख्यमंत्री जी दिखे और जिन्होंने स्वागत कर दिया वो हटते जाए, जिन्होंने स्वागत कर दिया वो जल्दी से आप हटते जाए। विशाल जी जिन्होंने पधारे, इस धरती पे सबसे ज्यादा किसानों के हित में निर्णय करने वाले, अगर इस धरती में कोई लोकप्रिय मुख्यमंत्री है तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि दोनों हाथ उठा के तालियां बजा के आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें। राजा जन्मे जी की नगरी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपने किसानों के हित में अनेक निर्णय करे हैं। जब किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ उसके तीसरे या चौथे दिन भी आपने अभूतपूर्व निर्णय करके मध्य प्रदेश के किसान को यह कहा कि मध्य प्रदेश के किसान के लिए मुझे किसी भी सीमा तक अगर जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन मध्य प्रदेश के किसान को दुखी नहीं रहने दूंगा, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा। परसों जब विधायक दल की बैठक थी, कुछ विधायकों ने निवेदन करा कि भाई साहब 30 जून तक प्याज नहीं टूट सकता है किसानों का। आपने कहा 30 जून नहीं, उसके आगे भी जाना पड़ेगा तो किसानों का एक एक प्याज इस मध्य प्रदेश की धरती से खरीदूंगा, ये माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने करा। अभी उन्हें में भी कार्यक्रम है। मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी आपने मुझे छोटे भाई की तरह इतनी सौगातें दी है, चाहे किसानों से संबंधित हो, चाहे युवाओं से हो, चाहे मेरी छोटी छोटी बहनों के लिए कन्या महाविद्यालय हो। मैं केवल आपसे एक बहुत, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि निनावर खेड़ा का डैम जिसके बनने से मेरे किसानों की फसलों को लहलाती मैं बता सकता हूं, वहीं पे मध्य प्रदेश की आप मुख्यमंत्री जी यहाँ के श्रमिकों को भी, जो 1.5 से 2 महीने श्रमिक बेरोजगार होते हैं, वो साइट लेआउट लगने से भी बंद होगा। और इससे मैं विनम्रता से निवेदन करता हूँ कि किसानों से जुड़ी हुई केवल आज आपसे एक ही मांग है कि निनावर खेड़ा का डैम अगर आप देंगे तो निश्चित रूप से ये किसानों के हित में एक निर्णय होगा। मैं आपका एक बार और अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और एक बार और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि मेरी निनावर खेड़ा की मांग को आप तालियां बजा के मुख्यमंत्री। अब मैं बहुत विनम्रता के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, आप सबसे कहूंगा कि अभिनंदन करें, स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का, दोनों हाथों से तालियां हो जाए। बोलिए भारत माता की, नागदा और आसपास की जनता की, सभी बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। मंच पर विराजमान हमारे जिलाध्यक्ष की भारतीय जनता पार्टी के श्याम जी, उन्हें में भी 2 बजे कार्यक्रम दिया था पर अभी लगभग 6:30 नागदा में बज रहे। हमें कल्पना नहीं थी कि रास्ते में गांव गांव में जन समुदाय उमड़ा हुआ मिलेगा, सबसे मिलते जुलते बात करते आते आते देर बहुत हो गई, इसलिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। लेकिन आज सबसे पहले एक बात मैं अपने भांजे और भांजियों के लिए करूंगा। मेरी बहनों और भाइयों, बच्चे मुझसे कहते मामा, ये बात अलग है, कई बार बूढ़े भी कहते मामा, तो मैं कहता हूं तुम्हारा थोड़ी भांजे भांजियों का हूं। एक अलग रिश्ता भगवान ने इन बच्चों से मेरा बनाया है, प्रेम की कच्ची डोर से इन बच्चों को ऐसा बांधा है कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जब तक जिंदगी की डोर रहे ये प्रेम की कच्ची डोर कभी ना टूटे। इन बच्चों की एक समस्या थी, जब मैं जाता था तो जगह जगह मुझे चिट्ठी देते थे, बेटे भी देते थे, बेटों से ज्यादा बेटियां देते थे, और चिट्ठी में एक ही बात लिखी होती थी, मामा हम पढ़ने में तो बहुत तेज हैं, लेकिन हमारे माता पिता गरीब हैं, हमारे माता पिता किसान हैं, हमारे माता पिता मध्यम वर्गीय हैं, छोटे व्यापारी हैं, और इसलिए मामा उच्च शिक्षा के लिए फीस भरने का इंतजाम हमारे पास नहीं है। और उन बच्चों की व्यथा को मैंने समझा और आज से एक योजना लागू कर रहा हूं, इसलिए सबसे पहले उसको बता रहा हूं आज से कि 12वीं क्लास में जिन बच्चों के 75% से ज्यादा नंबर आएंगे और उनका सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा,
IIM में होगा, पॉलिटेक्निक में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, BSc में होगा, BCom में होगा, कहीं भी हो जाए, फीस मेडिकल कॉलेज की प्राइवेट 8 लाख 9 लाख 10 लाख रुपया साल, 5 साल डॉक्टर बनना हो तो 50 लाख रुपया चाहिए। क्या गरीब के बेटा बेटी दे सकते हैं? अरे दे सकते हैं क्या? किसान के दे सकते हैं? मध्यम वर्गी के दे सकते हैं? तो फैसला किया है कि इन सब बेटा और बेटियों की फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, प्रदेश की सरकार भरवाएगी। आप चिंता ना करें, बिल्कुल ये फैसला बहुत ऐतिहासिक है, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। मुझे कहा जब मैं ये फैसला कर रहा था, मर जाएंगे, खजाना खाली हो जाएगा, 50-50 लाख रुपया एक बच्चे पे खर्चा करोगे। हाँ, जो बच्चे डॉक्टर बनेंगे उनसे मैं बॉन्ड भरवाऊंगा कि 3 साल तक वो डॉक्टरी गांव में रह के करेंगे, ग्रामीण जनता की सेवा करेंगे। अब इतना तो जायज है, जब 50 लाख रुपया फीस देंगे तो बच्चे डॉक्टरी 3 साल कम से कम गांव में करें। और इसे एक ऐसी योजना और सबके लिए, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, पिछड़ा वर्ग हो, SC हो, ST हो, अल्पसंख्यक हो, सब बच्चों के लिए योजनाएं, जाति पाति पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि को होई, सब बच्चों को साथ में लिए चले चलो, कहां बच्चों में भेद करते हो। ऐतिहासिक योजना, हजारों करोड़ रुपया इस योजना में आगे जाके खत्म खर्च होगा, 1000 करोड़ तो इसी साल मैंने रखा है। मैं अपने भांजे और भांजी के सपनों को मरने नहीं दूंगा, पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और सच में प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। बहनों और भाइयों, किसानों की कोई समस्या बीच में आई, ये सरकार ऐसी सरकार है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मध्य प्रदेश नहीं, कभी भी दुनिया में किसी सरकार ने इतने किसानों के भलाई के काम नहीं किए होंगे। 18% ब्याज पर कर्ज कांग्रेस देती थी, मैंने -10% कर दिया, बता 1 लाख ले जाओ, साल भर बाद 90,000 ले जाओ। ऐसी सरकार कब आई होगी रे मेरे बहनों और भाइयों? अगर किसानों के पहले जो काम किए हैं वही मैं गिनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। ये मानव भूमि रेगिस्तान बन रही थी, वैज्ञानिकों से मैंने पूछा रेगिस्तान बनाने से रोकने को उपाय क्या है, बोले नर्मदा जी का पानी ले आओ। अफसरों ने कहा हो नहीं सकता, मैंने कहा शिवराज सिंह के लिए असंभव कुछ नहीं है, मैं मुख्यमंत्री हूँ तो करके रहूंगा, मैं नर्मदा जी के पानी को छिपरा जी में ले आया, अब गंभीर में ला रहा हूँ, काली सिंध पार्वती में ले जाऊंगा और चंबल में कैसे आ सकता है इसका परीक्षण करवा रहा हूँ, ताकि पूरा हमारा ये क्षेत्र सस्य श्यामलाम बन जाए। एक नहीं, ऐसी अनेकों चीजें मैं घंटों आपको कह सकता हूँ, लेकिन समय मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। अभी कुछ समस्या आई, प्याज बहुत पैदा हो गया, दाम गिर गए, 1 रुपया किलो, 2 रुपया किलो, किसान क्या करे, कहाँ ले जाए? हमने फैसला कर लिया 8 रुपया किलो किसान का प्याज खरीदा जाएगा। हिंदुस्तान में कोई सरकार ऐसा प्याज नहीं खरीद रही जैसा मैं खरीद रहा हूँ। जब हमने फैसला किया कि प्याज खरीदेंगे तो कहा करोगे क्या, हजारों नहीं लाखों क्विंटल प्याज आएगी, ये प्याज कहाँ ले जाओगे, ये फेंकनी पड़ेगी। हम क्या किसान फेंके, इससे बेहतर है किसान की खरीद के शिवराज सिंह चौहान फेंके, ताकि किसानों को उनका मोल मिल जाए। और कुछ नहीं होगा तो गरीबों को 1 रुपया किलो गेहूं चावल देता हूँ, 2 रुपया किलो प्याज बांट दूंगा, गरीबों का भी भला हो जाएगा, किसान का भी भला हो जाएगा। नमक के साथ प्याज भी ले जाओ भैया, राम की चिड़ैया है, राम को खेत खावरी चिड़ैया भर भर पेट, चिंता करने की जरूरत क्या है, लेकिन किसान तो बच जाएंगे। किसानों ने और जो एक समस्या बताई वो भी उनकी भीषण समस्या थी। अब हमने तय किया है सोयाबीन समर्थन मूल्य से नीचे चला गया, कई फसलों के दाम गिर गए, तुअर के, उड़द के, मूंग के, हमने तुअर उड़द मूंग चुकी अभी हुई है, इसे समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला किया है। और अंतर कितना है, मूंग अगर अकेली देखो तो बाजार में 3500 रुपया क्विंटल और समर्थन मूल्य 5225 रुपया क्विंटल, मैं 5225 रुपया क्विंटल खरीद लूंगा, 1 क्विंटल पे 1.5 से लेकर 2.25 हजार रुपया लगेंगे मध्य प्रदेश की सरकार के। मैंने दिलीप से कहा भैया ज्यादा मांग मांग मत करना, बात उसे भी इस समय मुझे किसान को पैसा देना है, ये बांध तो जरूरी है, ये तो मैं बनवा दूंगा, 50 करोड़ लगेंगे, क्योंकि नागरा के पीने का पानी का सवाल है, किसानों की फसलों का सवाल है, फैक्ट्री भी चलती रहे ये भी जरूरी है,
ताकि मजदूर बेकार ना हो, लेकिन अब ज्यादा पैसा किसानों को बांटना, क्योंकि अभी वो संकट में, अगले साल फिर रोड फोर्ट फलाना ढंग का देख लेंगे, लेकिन नागदा नगर पालिका के बजट में कटौती नहीं करेंगे, यहाँ काम चलता रहेगा बराबर, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, किसान को भी मिले और विकास भी संतुलित होता रहे, ये कोशिश करेंगे। और अगले साल सोयाबीन समर्थन मूल्य पे मैं खरीदूंगा, मक्की के मोल नहीं जाने दूंगा, कोई सरकार बहनों और भाइयों आसानी से नहीं कर सकती, जो हिम्मत मैं करता हूँ। बजट का कितना बड़ा हिस्सा जाता आप कल्पना कर सकते हो, प्याज के ढेर लगे, कलेक्टर कह रहे सब जगह साहब प्याज ही प्याज भर गई, मंडिया भरी प्याज से, उनका रेलवे बुलाओ और ट्रेन में रैक लगा लगा के प्याज धुलवाओ, ट्रकों से कोई धुल नहीं सकती, इतनी पैसा होगी, अब क्या करें। आगे कुछ ऐसी योजना भी बनाएंगे कि कौन सी चीज कितनी बोए, इसकी सलाह भी देंगे भैया, नहीं एक ही चीज बो देते हो तो मामा क्या करे, मामा कहाँ तक करे, तो कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालेंगे कि कौन सी चीज कितनी मात्रा में बोई जाए, जिससे उसकी कीमत भी किसान को मिलती रहे। खसरा और अक्स बीमा की नकल बैंक फ्री में किसानों के घर पर पहुंचाने का काम करेंगे। किसानों को मंडी में दिक्कत आई चेक से, तो उनका आरटीजीएस से पैसा, उनको आरटीजीएस से भुगतान करेंगे, ताकि 24 घंटे के अंदर पैसे का भुगतान हो जाए। और रबी और खरीफ की फसल के लिए वो कोऑपरेटिव बैंक अलग अलग कर्जा देते थे, 40% खरीफ के लिए, 60% रबी के लिए, अगर कोई किसान चाहेगा तो उसको इकट्ठे ही दे देंगे। जितनी ऐसी जरूरतें हैं मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, पूरी करूंगा, लेकिन किसान नहीं गरीब के लिए भी। हमारे आज विधायक बैठे, नगर पालिका अध्यक्ष बैठे, ये वरिष्ठ नेतृत्व बैठा है, लाल सिंह जी राणावती जैसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सारे पूरा वरिष्ठ नेतृत्व बैठा हुआ है। मैंने फैसला किया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा, रहने की जमीन का मालिक बनाऊंगा। अब कलेक्टर को भी मेरा कहना है, विधायक जी आप जुड़ जाए, नगर पालिका जुड़ जाए, ये टीम जुड़ जाए, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने की जमीन का सहारा नहीं है, पन्नी तान के इधर उधर सड़कों के किनारे पड़े, हर कोई रास्ते का पत्थर बना देता है, हटा देंगे, तोड़ देंगे, मिटा देंगे, हम चिन्हित करके शहरों में गरीबों के लिए मकान बनाएंगे, क्योंकि जमीन कम होती है, उन मकानों में उनको शिफ्ट करेंगे, और जमीन पे अगर जमीन अगर है तो वो पट्टा देकर उसका मालिक बनाएंगे, गांव में भी मालिक बनाएंगे। ये बुनियादी अधिकार है तो भगवान ने पैदा किया है, तो रहने लायक जमीन तो होना चाहिए मेरे बहनों और भाइयों, उसका मालिक शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी सरकार गरीब को बनाएगी, हर गरीब को छको, इसका काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनके साथ मिलके मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना साथ मिला के हम वो मकान बनाने का भी जो व्यवस्था है वो करेंगे, ताकि हर गरीब के सिर के नीचे हम छत की व्यवस्था कर पाए और उसके रहने का ठीक इंतजाम कर पाए, इसलिए सर्वे होके ठीक ढंग से गरीबों के घटे ही बांटने के लिए पड़ते, ये चुपचाप पढ़ते तो कई बार पता नहीं चलता मिल पाए कि नहीं मिल पाए, और कहीं कोई गड़बड़ सफल हो जाए तो डंके की चोट मत हो गया सबके सामने। देखो आज मुझे देर इसलिए भी लगी कि कई जगह कई चीज मैंने देखने की कोशिश की, प्रधानमंत्री आवास का मकान देखा, पैसा पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अब मैं योजनाओं की चेक भी कर रहा हूँ, और कहीं गड़बड़ अगर मिलेगी तो गड़बड़ करने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा किसी की हालत में। ये फैसला हमने लिया है ताकि ठीक ढंग से हम सुशासन जनता जनार्दन को दे सकें। लेकिन एक तकलीफ मेरे मन में है, वो तकलीफ मैं आपके सामने अभिव्यक्त करना चाहता हूँ। मैं ऐसा मुख्यमंत्री हूँ बहनों और भाइयों जो केवल जनता के लिए जीता है, 18 घंटे में से कई 24 घंटे में से कई बार 18 तो रोज का काम है, अब कल से मैं सवेरे से घूम रहा हूँ, शायद 2-3 घंटा सोया होगा, पूरा मंदसौर जिला घूम के और उसके बाद रतलाम जिला, उसके बाद उज्जैन शुरू किया है, यहाँ से नुनेर वगैरह सब करके इंदौर जाऊंगा, फिर वहां से भोपाल पहुंचूंगा और सुबह से फिर शुरू हो जाऊंगा, लेकिन हर एक सांस चलेगी तो मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए चलेगी, इसी जनता की अपनी जिंदगी है, और मैं समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अपने शांत मध्य प्रदेश में कुछ लोग आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई वो किसान कभी नहीं कर सकता, मेरे बहन और भाई क्या कल्पना करते हैं, किसान ऐसी बस जिसमें माताएं बहने बैठी है, माताएं बहने जिस बस में बैठी हो उसमें किसान आग लगा दे, ये हो सकता है क्या मध्य प्रदेश में? ये कभी नहीं हो सकता, ये किसान नहीं है, ये मध्य प्रदेश को तबाह करने वाले
अराजक तत्व है। और इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, मध्य प्रदेश की शांति में खलल पैदा करने वाले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। किसान आंदोलन जिन्हें किया है वो हमारे अपने, अगर किसान आंदोलन में गए कोई केस नहीं बनेगा, लेकिन किसी ने आग लगाने की कोशिश की है, पत्थर मारे, दुकानें लूटी है, तो ऐसी शैतानी करने वाले तत्वों को मैं नहीं छोड़ूंगा किसी भी कीमत पर। मध्य प्रदेश को शांति का टापू बना के रखना है। परेशान है कुछ मित्र मेरे कांग्रेस के, उनको दिनों रात शिवराज सिंह का सपना आता है, सपने में भी नहीं दिखाई देता हूँ, नींद में कई बार चमक चमक के चिल्लाते हैं शिवराज सिंह इस्तीफा दो, शिवराज सिंह इस्तीफा दो, उनका काम ही वो है और कोई दूसरी चीज उनको दिखाई नहीं देती। अरे तुम्हारी दुश्मनी मुझसे, तो बदला मुझसे ले लो। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता से बदला नहीं लेने दूंगा, विकास के पथ पर मध्य प्रदेश को आगे ले जाऊंगा। मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरी माताएं, मेरी बहने, मेरे किसान, मेरे गरीब, मेरे मजदूर, अभी व्यापारी मेरे, उन्हें कोई दिक्कत बताई जीएसटी की, मैंने उनको आश्वस्त किया है कि मध्य प्रदेश के व्यापारियों की समस्या भी दिल्ली में मैं ले जाके उठाऊंगा। और व्यापार कैसे आसान करें, क्योंकि खेती के साथ व्यापार जरूरी है, उसको भी आगे बढ़ाना है। मंडी की समस्याएं थी, मैंने उनका समाधान किया। देखिए ये सबकी सरकार है और इसलिए उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा। व्यापार बढ़े, उद्योग बढ़े, ये जरूरी है ताकि हम अपने व्यापारियों के माध्यम से भी रोजगार के अवसर हम पैदा कर पाए। और इसलिए हम इन सब का साथ देंगे। एक बात और मुझे अभी कई जगह मंदिर के पुजारियों ने कही कि मंदिर की जमीन नीलाम हो रही है। मैं अभी फैसला करता हूँ, 10 एकड़ से 10 एकड़ तक जमीन जिन मंदिरों के पास है वो जमीन नीलाम नहीं की जाएगी। पुजारी अपने पास रखेंगे, वो पूजन करें, पाठ करें, मंदिर की व्यवस्था करें। हाँ, कहीं अगर 10 एकड़ सैकड़ों एकड़ जमीन है, 50 एकड़ जमीन है, तो उसके बारे में अलग से फैसला होगा। समाज के सब वर्गों का कल्याण करते हुए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमें आगे बढ़ना है। आप सबसे मेरी अपील है, हर बेटा बेटी को ढंग से पढ़ाए। मामा है ना मुख्यमंत्री, पहली से लेकर 12वीं क्लास तक की किताबें मैं दूंगा, दूसरे गांव जाए तो साइकिल में दूंगा, 8 तक के बच्चों के स्कूल की गणवेश में दूंगा, स्कॉलरशिप में दूंगा, बच्चे अगर 85% लाएंगे तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा, कॉलेज में जाएंगे तो मामा स्मार्टफोन दिलवाएगा, जो चाहिए मैं मेरे बच्चों को दूंगा ताकि मेरे बच्चे पढ़ते जाए। मेरी बहनों को भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस के कनेक्शन हमने देना शुरू किया है, धीरे धीरे सारे बहनों को मिलेंगे। तो सारे समाज का, पूरी जनता का कल्याण करते हुए ये सरकार मेरे बहनों और भाइयों आगे बढ़ रही है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है और ये में भी इंतजार हो रहा है। और इसलिए दिलीप जी, ये तो ठीक पक्का हो गया, बाग बनेगा, ठीक है, बाग बनेगा और विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। एक बार मेरे साथ आप सब बोलिए, भारत माता की, सभी बहनों भाइयों की और भांजी और भांजियों की।